ईश्वर दयाल अस्पताल एवं ट्रूमा सेंटर डॉक्टर जीएन चौपाल एमबीबीएस एमएस पटना जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर डीएन प्रसाद एमबीबीएस जनरल फिजिशियन एवं सर्जन डॉक्टर एमएन प्रसाद एमबीबीएस एमडी एनेस्थेटिक। यहां आपको सुविधा मिल सकती है जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा किडनी गोल ब्लैडर अति आधुनिक मशीन के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। यहां नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी की जाती है। आईसीयू की सुविधा और सभी प्रकार के ट्रोमा एवं मेडिकल की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। फारविसगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, फारविसगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विभिन्न लूट कांड मामलों में शामिल अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। अपराधियों में अंशु कुमार साह पिता विनोद कुमार साह, छोटू कुमार पिता स्वर्गीय कीर्तनंद मेहता, रणधीर कुमार मेहता पिता देव नारायण मेहता, तीनों फारविसगंज के टेढ़ी मुसैरीबा, शशि कुमार यादव पिता ओम प्रकाश यादव प्रखंड के गंजभाग धनघड़ा शामिल हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस बाबत गुरुवार को आदर्श थाना फारविसगंज में डीएसपी गौतम कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर उक्त घटनाओं में शामिल अपराधियों का लिस्ट जारी किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले कुछ माह में हुए लूट व छिनतई आदि की घटना को लेकर फारविसगंज एवं सिमराहा थाना मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर अररिया एसपी हृदयकांत के निर्देश पर फारविसगंज डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। इस टीम में फारविसगंज थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु, सिमराहा थानाध्यक्ष साजिद आलम, अररिया आरएस थाना के दिनेश यादव, शंभू सिंह, पी के चांद आदि के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी किया गया, जिसके तहत पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अपराधी मोहम्मद तबरेज आलम पिता मोहम्मद सत्तार व आशीष पासवान पिता प्रमोद पासवान प्रखंड क्षेत्र ढोल बच्चा का रहने वाला बताया गया है, जो अभी फरार है। डीएसपी ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर की गई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के 4 मोबाइल, 19,000 नकदी लूटी गई राशि एवं घटना में शामिल की गई मोटरसाइकिल, जिसका नंबर BR38 3809 व दूसरा पल्सर BR38W6209 है। जी हाँ, BR38W6209 को भी बरामद किया गया है। वहीं देर रात नरपतगंज थाना क्षेत्र में भी DSD व नरपतगंज पुलिस ने कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया, जहां अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें DSP ने बताया कि 2 राउंड गोली अपराधियों द्वारा चलाया गया था, जिसमें वे लोग बच गए। इस मामले में करीब आधे दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से हथियार कारतूस व अन्य सामानों की बरामदी हुई है। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है। बने रहिए NSTV के साथ, मैं हूं आपके साथ लव चौहान। कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके यहाँ से लूटे गए मोबाइल पैसा सारा कुछ बरामद कर लिया गया है। अन्य कॉन्डोमिन की संलिप्तता की जांच चल रही है। लूट और चोरी की घटना में बेतहाशा की हाँ कुछ पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। बेतहाशा वृद्धि तो नहीं लेकिन बढ़ी है, जिसको फारविसगंज पुलिस ने बहुत चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और बड़ी प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने उस कांड में लग कर एक टीम का गठन करके सारे अपराध कर्मियों को पकड़ा है और माल भी रिकवरी की है और इस दिशा में और भी तेजी से कार्रवाई चल रही है। कुछ दिनों नरपतगंज में सुने था अपराधियों ने आपके ऊपर फायरिंग किया, वो तो वो एक अलग घटना है। उसमें एक सूचना थी कि वहाँ अपराध कर्मियों आर्म्स की डील चल रहा है, तो हम लोग गए थे तो वहाँ के लोग स्थानीय थाने के साथ संपर्क करके एग्रीड किए, तो अपराध कर्मियों की तरह गोली चलाई गई। कितनी राउंड गोली चलाई अपराधियों? 1-2 राउंड गोली चली है। पुलिस की ओर से नहीं गोली चली? नहीं, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं। कितने अपराधी पकड़े गए अभी तक? अपराधी उसमें 4 पकड़े गए। और हथियार? हथियार एक बरामद हुई है, मैगजीन है, गोली है और उसका प्लस जो फायरिंग किया उसका खोखा भी पता। क्या लगता है पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है? हाँ, पुलिस के लिए एक उपलब्धि है लेकिन बड़ी उपलब्धि नहीं कह सकते, शुरुआत भर है। देखते हैं आगे क्या होता है।